myself, Dr. Naresh Bhati, director of Wellcare Overseas Bengaluru. Dear friends, दोस्तों आज हमारे साथ है हमारे Wellcare कॉलेज के पुणे के डायरेक्टर मिस्टर नारायण राठौड़, और आज हम कुछ आपके लिए डिस्कस करेंगे कि कुछ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जर्मनी के रिलेटेड, कि अगर आपको जर्मनी में स्टडी नर्सिंग करना है तो नारायण जी के कुछ क्वेश्चंस है जो महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं और उनकी बहुत सारी क्यूरीज है, तो इसलिए बेंगलोर ऑफिस भी विजिट करने आए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना साथ साथ इनके साथ बैठ के इनकी जो स्टूडेंट्स ने क्यूरी की है महाराष्ट्र में हमारे स्टूडेंट्स ब्रांच ऑफिस में स्टडी नर्सिंग जर्मनी के लिए, तो उसको मैं आज क्लियर आउट करेंगे हम लोग, और ये शायद बेनिफिशियल हो सकता है जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, पेरेंट्स हो या बच्चे हो स्टूडेंट हो जिन जो जो अपना करियर स्टडी नर्सिंग जर्मनी में बनाना चाहते हैं। और अच्छी बात क्या है जर्मनी की कि आपको वहाँ फ्री एजुकेशन मिलता है, तो बात करते हैं नारायण जी से कि उनके उनके पास क्या क्यूरीज है इस कोर्स को लेके और क्या डाउट्स है स्टूडेंट्स के। तो नारायण जी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू बेंगलोर ऑफिस एंड आपका स्वागत है आज हमारे इस हेड ऑफिस पे। और बताइए क्या क्या आपकी स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी स्टडी नर्सिंग के लिए। हाँ, वैसे ये तो सभी को पता ही है कि जर्मन लैंग्वेज की काफी बड़ी भूमिका है अगर कोई जर्मनी में स्टडी के लिए जाता है, लेकिन समझो कोई स्टूडेंट है उसका अगर वो लैंग्वेज कर रहा है तो उसको डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइजेशन के लिए या जो भी उसका जो डॉक्यूमेंट असेसमेंट है वो कभी उसको स्टार्ट करना चाहिए, कौन से लेवल पे आने के बाद में किया तो अच्छा है, और उसको मतलब टाइम टेकिंग पीरियड थोड़ा सा वो कम हो सके, क्या कर सकते हैं ऐसा। देखिए पहला चीज तो ये है कि अगर आपको वहाँ पे जर्मनी में जाके स्टडी नर्सिंग करना है तो प्लस पॉइंट जर्मनी का आपके पास क्या है कि आपका ट्यूशन फी नहीं लग रहा है। Correct. पहला चीज तो ये आपको पता है जो स्टूडेंट को आपने बताया। दूसरा अच्छा चीज क्या है कि आपको स्टाइपेंड मिलता है। यस, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट फंड्स मिलता है स्टूडेंट को, स्कॉलरशिप बोलते हैं, वैसे ही वहां पे स्टाइपेंड मिलता है, और वो हम बच्चे के लिए ग्रांट करवाते हैं स्टाइपेंड, और वो आपका 1000 यूरो से लेके 1200 यूरो तक कुछ भी हो सकता है पर मंथ, तो फीस भी नहीं लग रही है। तो रिकॉग्नाइजेशन की जो आपने बात पूछी है मुझसे, तो ये एट द बिगनिंग हमको जरूरत नहीं है, जब बच्चा लैंग्वेज स्टार्ट करता है तो A1 A2 B1 तो जब वो बेसिक जो बेस लेवल है उसका A1 से B1 तक वो पीरियड में हम जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो रेडी रखेंगे, और जब बच्चे का B1 पास हो जाता है फिर हम उनके एडमिशन के लिए इंटरव्यू कराते हैं, और जब इंटरव्यू में बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो फिर हम उसका डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके रिकॉग्नाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। इंटरव्यू से और एक क्वेश्चन दिमाग में आया है कि समझो इंटरव्यू में अगर कोई रिजेक्ट हो जाता है तो सेकंड वापस उसको इंटरव्यू करवा सकते हैं या क्या होता है उसके लिए कुछ थोड़ा। हाँ, ये भी आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया कि बच्चों के डाउट रहते हैं कि अगर हम तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब बच्चे का हम फर्स्ट इंटरव्यू कराते हैं और इन केस मान लो वो इंटरव्यू में बच्चा फेल हो गया या वो बच्चा वो एम्प्लॉयर ने उसको एडमिशन नहीं दिया तो उस केस में क्या करेंगे कि कहाँ उसकी कमी रह गई और क्या उसका डिफॉल्ट रह गया, वो कमी को हम फुलफिल करके फिर री इंटरव्यू कराते हैं, और फिर री इंटरव्यू कराते हैं जब तक बच्चे को एडमिशन नहीं मिले हम कोशिश करते रहते हैं, तो उसमें कोई बच्चे को घबराने का जरूरत नहीं है उसके लिए। ओके, और इसमें आपने एक बात बताई कि स्कॉलरशिप वगैरह होता है, तो स्कॉलरशिप का बेस क्या है, जैसे किस बेस पे वो स्कॉलरशिप, क्योंकि जनरली बहुत सारी कंट्रीज में तो चार्जेस देना होता है और यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगा, तो वो थोड़ा सा एक एलोबरेट करिए। हाँ, इसके पीछे देखिए स्कॉलरशिप देने का रीजन जो जर्मन गवर्नमेंट का ये है कि जर्मनी को चाहिए यूथ स्किल्स। Okay. स्किल्स, यस यस, तो यूथ स्किल को प्रमोट करने के लिए जर्मनी स्पॉन्सर करती है ये सारी चीजें यूथ बच्चों को, और जो फाइनेंशियली वीक बच्चे हैं जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पास स्किल्स है। Yes, so, जर्मनी के बारे में अगर आप पढ़ते हो कहीं भी देखते हो तो स्किलफुल they are interested into the skillful people or school skillful youth, तो इसीलिए वही रीजन है उसके बिहाइंड के आपको आपके रहने के लिए खाने के लिए वहां पे खर्चा होता है, तो यूजुअली जो
500-600 यूरो हर महीने खर्चा होता है, 700 भी हो सकता है, तो उसकी वजह से एक 12th पास बच्चा उतना या जो उसकी फैमिली वीक है उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. Correct. तो उसके लिए ये गवर्नमेंट से उनको हम सपोर्ट करवाते हैं, स्टाइपेंड उनका मिलता है ताकि वो डे टू डे लाइफ, मंथली लाइफ वो अपनी इजीली सर्वाइव कर सके और कुछ पैसा आप और बचा भी सकते हो उसमें. क्योंकि 1000 यूरो से 1200 यूरो एक अच्छा स्कॉलरशिप स्टाइपेंड है बच्चों के लिए. यस, एक और डाउट की जैसे आपने बताया कि यूथ प्रेफर करते हैं, तो एक और क्वेश्चंस आता है कि व्हाट वुड बी द एज लिमिट फॉर दिस प्रोग्राम, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट दिस. हाँ, ये भी आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है. बहुत से स्टूडेंट्स के ये डाउट रहता है कि क्या एज तक मैं जा सकता हूँ, क्या एज तक अप्लाई कर सकता हूँ. बट यूजुअली अगर आप ऑफिशियल उनकी चीजें वेबसाइट और सब देखे तो वहां पे कोई एज लिमिट नहीं लिख रखा है. ठीक है, देयर इज नो एज लिमिट. बट यूजली दे प्रेफर यूथ 2000 बिलो 30-35. बिलो 30 मोस्टली दे प्रेफर, बिकॉज जब 12th पास बच्चा होता है तो वो 18 से 19 ईयर्स का ही रहता है. करेक्ट. तो उसके बाद उसको ये पीरियड में 10 साल जो 30 के बिलो पीरियड है उसमें ज्यादा प्रेफर करते हैं. ऐसा नहीं कि आप 35 के हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. डेफिनेटली यू कैन अप्लाई. आप 40 की एज में भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ये इम्पोर्टेंट चीज है. ओके. हाँ, सेकंड एक और क्वेश्चन है कि इसके लिए बेस है वो 12th बेस है या उसके लिए और कुछ डिप्लोमा वगैरह ऐसा कुछ रिक्वायर होता है. यूजुअली जो ये भी आपका अच्छा सवाल है. यूजुअली जो 12th पास बच्चे होते हैं स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से स्पेशली, वो तो जा ही सकते हैं नर्सिंग में. उसके अलावा कौन सा बच्चा जा सकता है, तो जिसका बैकग्राउंड आर्ट से रिलेटेड है, सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज पढ़ा है, वो बच्चा भी इसमें अप्लाई कर सकता है. ओके. हाँ, 12th के बाद. 12th की क्या मिनिमम आपको 12th चाहिए. ओके ओके ओके. हाँ, एक और डाउट होता है बच्चों के माइंड में कि जर्मनी के वीजा वगैरह रिजेक्ट होते हैं, ऐसा बहुत सारी कंट्रियों के होते हैं, तो उनके माइंड में ये भी एक क्वेश्चन चलता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए. ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है आपका नारायण जी, क्योंकि और जर्मनी की एक अच्छी बात है वीजा रिजेक्शन के लिए. मैं सब पेरेंट जो भी और जो स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जर्मनी का एक अच्छा बात क्या है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, कि अगर मान लो आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो वो प्रॉपरली आपको रीजन देते हैं कि ड्यू टू दिस रीजन वी आर रिजेक्टिंग योर वीजा, एंड इफ यू रेक्टिफाई दैट रीजन एंड अप्लाई अगेन, वापस आप अप्लाई करते हो तो आपको वीजा मिल जाएगा. तो ये प्लस पॉइंट है आपका जर्मनी के लिए. तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है. अगर आपका वीजा रिजेक्ट भी हो जाता है तो उस रीजन को रेक्टिफाई करके यू कैन रीअप्लाई फॉर द वीजा. ओके. वी आर देयर टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स. बट यूजुअली अगर आपका सारा चीजें सही है तो कोई रिजेक्ट नहीं करेगा आपका वीजा. ओके, थैंक यू फॉर योर क्लैरिफिकेशन. एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चों के पेरेंट्स के मन में एक डाउट होता है कि समझो उसका सारा हो गया वीजा वगैरह, वो जर्मनी ट्रैवल कैसे करेगा, जर्मनी में पहुंचने के बाद में उसका कैसा सिनेरियो होगा, वो कैसे वहां पे ड्यूटी और कोर्स उसका ज्वाइन करेगा, किस टाइप से उसको कोई पिकअप वगैरह होता है, क्या है वो जो भी वॉच कर रहे वीडियो को, आपको कुछ भी वो परेशान होने का जरूरत नहीं है. वेल केयर ओवरसीज डॉक्टर नरेश भाटी आपके हर बच्चे के साथ खड़ा है. आपका जब भी वीजा हो जाता है, आपका एकोमोडेशन अरेंजमेंट के लिए, आपका एयरपोर्ट पिकअप के लिए, आपका वहां पे जो लोकल सपोर्ट चाहिए उनको सब चीज, सिटी रजिस्ट्रेशन करना हो, उनका अकाउंट ओपन करवाना हो, क्लासेस स्टार्ट करवाना हो, सब कुछ वी आर असिस्टिंग. तो कुछ भी पेरेंट्स को उसके लिए घबराने का जरूरत. ओके. वी अरेंज ईच एंड एवरीथिंग फॉर अवर एवरी स्टूडेंट्स. ओके ओके, थैंक्स लॉट. और एक और बात थी कि बहुत सारे जर्मनी का जैसे ही नाम लेते हैं तो उनके दिमाग में एक आता है ब्लॉक अकाउंट. तो इस प्रोग्राम के लिए ब्लॉक अकाउंट जरूरी है, या कोई कोई बोलते हैं कि हमको किसी ने ब्लॉक अकाउंट का बताया है इसके लिए मैंडेटरी है, कोई कोई बोलते हैं, तो उनके मन में डाउट होता है कि ये ब्लॉक अकाउंट छुपा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसके उनके दिमाग में ऐसा. तो मैं आज इस वीडियो के आपके माध्यम से ये मैं बता देता हूँ जो भी व्यूवर्स है, बिल्कुल आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए स्टडी नर्सिंग के लिए जर्मनी में. क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आपको हम स्टाइपेंड लेटर दे रहे हैं,
और वो जो है 1000 से 1200 यूरो आपको मिलता है, और ब्लॉक अकाउंट का जो पर मंथ लिमिट है वो 940 यूरो या 930 यूरो है। तो अगर आपको उससे ज्यादा स्टाइपेंड मिल रहा है तो आपको ब्लॉक अकाउंट दिखाने का जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। तो आप किसी को भी स्टडी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए यू डोंट नीड टू शो एनी ब्लॉक अकाउंट, ये सबसे बेस्ट बात है उसकी। तो थैंक यू सो मच, आपने आज इस टॉपिक के बारे में काफ़ी बहुत ही अच्छा क्लेरिफिकेशन दिया। मुझे लगता है कि इसके थ्रू बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों का जो क्योरीज थी छोटी मोटी वो सारी क्लियर हो पाई रहेगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद आपका। और जो भी वॉच करे इस वीडियो को, जरूर आप देखें, शेयर करें, लाइक करें। और मेरा यही मोटो रहता है कि मेरा हर एक बच्चा जो जाए जर्मनी, और हमेशा सपोर्ट, मेरा ब्लेसिंग हमेशा साथ में रहता है। और जितना भी आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, और एक नीडी पेरेंट्स को पहुंचाए, एक नीडी बच्चे को पहुंचाए जो ज्यादा फाइनेंशियली वीक भी है, ज्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। सो वील वेल केयर ओवरसीज इज देयर टू हेल्प यू विद सच काइंड ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स, टू सपोर्ट देम एंड गेट अ बेटर फ्यूचर इन जर्मनी। तो ये सारा हम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आप लोग रखे अपना बहुत सारा ख्याल, और मुझे दे इजाजत। जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच।